My class is standard 9, history, chapter 3. Question, describe the status of women in Nazi Germany according to the theory of a racial state. हिटलर के टाइम में जो उसका राज था वो रेशियल स्टेट बन गया था, यानी जाति तौर पर जाति स्टेट हो गया था। तो इस तरह से नाजी जर्मनी में जो वुमेन की पोजीशन थी उसको डिस्क्राइब करना है। आंसर सुपीरियरिटी ऑफ मैन। सुपीरियरिटी ऑफ मैन चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट द वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड, नाजी जर्मनी में जो बच्चे थे वो ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता था दैट द वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। उस समय वहाँ पे जो वुमेन की पोजीशन थी वो एकदम मैन से डिफरेंट थी, बच्चों से ऐसा बोला जाता था। नाजी वर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक राइट ऑफ वुमेन, नाजी लोग थे वहाँ एकदम वुमेन के कोई भी अधिकारों के, यानी वो लोग वुमेन के कोई भी अधिकार नहीं चाहते थे, वुमेन्स के हर अधिकारों के विरोध में थे। रोल ऑफ गर्ल्स, नाजी जर्मनी में जो लड़कियों का रोल था यानी लड़कियों की क्या पोजीशन थी। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, लड़कियों को केवल जाति तौर पर प्योरिटी बनाए रखने का ही अधिकार था। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द ज्यूस, वहाँ के जो ज्यूस लोग थे, मैंने आपको ज्यूस के बारे में बताया है, वहाँ से अपने आप को जीव से एकदम दूर रखना है। लुक आफ्टर द होम, केवल घर की देखभाल करनी है। टीच डियर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज, यानी जो नाजी में जितने नाजी के अनुसार जो शिक्षा दी जा रही थी वो केवल अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। दे हैड टू बी द बेयरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, और उन लड़कियों को केवल आर्यन कल्चर यानी आर्यन संस्कृति और जात को आगे बढ़ाना है। नंबर थर्ड, अवार्ड एंड पनिशमेंट। थर्ड पॉइंट है अवार्ड एंड पनिशमेंट। वुमेन हु वर बेसिकली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, जो लेडीज यानी जो वुमेन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन यानी अनिच्छुक बच्चों को पैदा करती थी, यानी जो नाजी लोग नहीं चाहते थे उनको पनिश किया जाता था। एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, और जो डिजायरेबल चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते थे उन औरतों को अवॉर्डेड यानी पुरस्कृत किया जाता था। दे वर गिविंग फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कॉन्फ्रेंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट एंड रेलवे फेयर्स, और उन औरतों को हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया ट्रीटमेंट और किसी भी चीज़ थिएटर है, रेलवे है, इन सारी चीज़ों में उनको अलग से स्पेशल सुविधाएँ दी जाती थी। प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, हिटलर वांटेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी। हिटलर प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी यानी मेजोरिटी में विश्वास रखता था। टू इनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, वो चाहता था कि औरतें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। ऑनर प्रोसेस वर अवॉइडेड, उन लोगों को बहुत ऑनर प्रोसेस से अवॉइड किया जाता था। ग्राउंड फ्लोर फॉर गिविंग फॉर फोर चिल्ड्रन, चार बच्चों वाली माँ को ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था। सिल्वर क्रॉस 6, 6 बच्चों वाली माँ को सिल्वर क्रॉस एंड गोल्ड क्रॉस 8 और गोल्ड, और 8 और मोर 5 और 8 से ज़्यादा वाली माँ को गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। वुमेन दियर पास ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल आर्मी वुमेन, वहाँ जो नाजी बात था वो आर्मी वुमेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। तो इस तरह से सारी आर्यन वुमेन्स जो थी वो एक कोड ऑफ कंडक्ट से अवॉर्डेड की जाती थी। ऑल आर्यन वुमेन डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड, और जो उनके अलावा जो औरतें थी उनको पनिश किया जाता था और आर्यन वुमेन को अवॉर्डेड किया जाता था। यही फाइव पॉइंट थे जो उस समय नाजी जर्मनी में वुमेन्स की पोजीशन थी, मैंने आपको 5 पॉइंट करा दिए हैं। पिछले वीडियो में